राम राम किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ एक मकान पे और मैं दिखाऊंगा आपको। ये अंकल जी का देख लो, पहले मकान बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया बना है और पुराने जमाने का मकान है और आज भी इन्होंने संभाल के रखा है अपने बड़ों की धरोहर को। ये हरि सिंह जी का मकान है और एक बार देख लो भाइयों, मैं मिलवाऊंगा और बातें भी करूंगा इनसे कुछ, तो एक बार देख लो। ये भाइयों, इन्होंने खाट वगैरह बिछा रखी है और नया मकान इनका इधर है, अभी बनाया है, इनका ट्रैक्टर भी खड़ा, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। पहले आपको मैं दिखा दूं, ये देखो भाइयों, ये बुग्गी वगैरह है करडे वगैरह भगाने के लिए और मैं दिखाऊंगा आपको। ये अंकल जी है, नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। तो अंकल, स्वागत आपका हमारे चैनल किसान योद्धा में। तो अंकल, थोड़ा सा बताइए, जो मकान है आपने कब बनाया था? ये तो हमारे फादर ने। अच्छा, कब बनाया था जी? ये 1953 का बना। 1953 का? देखो भाई, 1953 का बना मकान है और आज भी बिल्कुल सही सलामत है। थोड़ा सा अंकल दिखाना मुझे, तो मुझे बताइए, जैसे ये मतलब मकान है, इसमें मरम्मत वगैरह कराई आपने, मतलब कुछ? मरम्मत कराई। अच्छा अच्छा, क्या मरम्मत कराई थी? मरम्मत वैसी नॉर्मली बस। देखो भाई, एक बार देख लो, ये चौकट देख सकते हैं आप सभी, देखो आज तक बिल्कुल सही सलामत है। और मैं दिखा दूं आपको, ये क्या चीज बना रखी है इधर? कमरा। अच्छा, कमरा है, तो एक बार देख लो, इसमें लाइट वगैरह है? लाइट, तो लाइट जलाना है। अच्छा, ये देखो भाई, एक छोटा सा कमरा है, मोड़े वगैरह पड़े हैं इसमें। और देख लो भाई, बिल्कुल अपनी जो बड़ों की धरोहर है उसको संभाल के रखा है। और एक बार देख सकते हैं, आपको चमक रहा होगा, 1995। देखो भाइयों, इस पे लिखा हुआ भी है सन। और किवाड़ देख लो एक बार भाइयों, क्या कारागरी है। तो ये अंकल जी, उधर किवाड़ कहाँ से मंगाए थे आपने? ये तो आपके पिताजी को अच्छे पता होगा ना। तो देखो भाइयों, इनके पिताजी फिलहाल है भी? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो भाइयों, मैं दिखाऊंगा आपको। तो पिताजी क्या करते थे आपके? अच्छा, सर्विस किस लाइन में? अच्छा, कोऑपरेटिव विभाग में थे। अच्छा अच्छा, तो देखो भाइयों, और एक कमरा एक है इधर, ये भी दिखा दूंगा आपको। पहले आप चौखट देख लो ये भाइयों, ये देखो चौखट बिल्कुल मजबूत है, कई साल तक जख्खो नहीं है इसमें। और देख लो बार भाइयों, मैं अपने किसान भाइयों को हर चीज दिखाना चाहता हूँ, कोई किसान भाई नू ना कहता है कि भाई ये ना दिखाया आपने। तो लाइट जलाऊंगा पहले, मैं दिखाऊंगा आपको। ये देख सकते हैं भाइयों, ये शील्ड वगैरह किसने जीत रखी थी? अच्छा अच्छा, झोटे देखो, इनका झोटे ने जीत रखी। देखो भाइयों, अच्छा झोटा मतलब फर्स्ट आवाज जी आपका, कहीं भी हुआ लिया सब जगह? कई बार तो देखो भाइयों, झोटे की है ये और इन्हें मिली हुई है, जो कड़ा है रेस वगैरह में भगाते हैं, इनको शौक है, अपना अपना शौक होते हैं। देखो भाइयों, ये सब उसी के है? सब अच्छा, ये लड़कों के है। देखो भाइयों, ये लड़कों के है और ये झोटे वगैरह की सिल्ड है, इन्होंने जीती हुई है। देखो भाइयों, एक बहुत बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और एक बार देख लो भाइयों, कितना बढ़िया मकान बना रखा है। और ये देखो भाइयों, अपने पापा जी की मतलब जो अपने पिताजी की धरोहर को उनको संभाल के रखा हुआ है इन्होंने। अच्छा अच्छा, उसी टाइम की है वो। देखो भाइयों, मैं दिखा दूं, ये देख सकते हैं भाइयों, अलमारी देख लो, आज भी बिल्कुल सही सलामत है। उस टाइम पे ऐसी अलमारी का यूज किया जाता था, देख लो एक बार भाइयों, देख लो बिल्कुल, ये बिल्कुल मजबूत ही है, कई साल तक तो इन्हें जोखो नहीं है बिल्कुल भी। और इस पे डिजाइन वगैरह बना हुआ है, देख लो भाइयों, सब क्यूआर्डो पे भी डिजाइन वगैरह बने हुए हैं। और एक बार मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पे मोड़े वगैरह पड़े हुए हैं। और ये गेरा, ये तो स्टोर रूम है जी, ये स्टोर रूम वगैरह है। तो ये देखो भाइयों, उस टाइम पे ऐसे बोर्ड चला करते थे, इसे ऊपर को कर दो तो बिजली आ जाएगी। तो पुरानी लाइन। अच्छा अच्छा, तो फिटिंग पुरानी है कभी? हो देखो भाइयों, कभी पुरानी फिटिंग है, ये देखो भाइयों, कभी पुरानी है। और फिलहाल थोड़ी बहुत मरम्मत करवाई है इन्होंने। और यहाँ पे इनके पिताजी का हुक्का है ना, आपके पिताजी का इसमें? अच्छा, तो देखो भाइयों, एक पुराने जमाने में ऐसा सिस्टम किया जाता था गर्मी के टाइम पे। और देख लो एक बार भाइयों, यहाँ पे क्या रस्सी बांध देते क्या? अच्छा अच्छा, देखो भाइयों, यहाँ पे टंगा होता था, बता रहे अंकल जी, यहाँ पे टंगा होता था और यहाँ पे रस्सी बांध के उसे खींचा करते थे, है ना, खींचने से वो हिलता था। और उस टाइम पे मतलब गर्मी का सिस्टम यही था, उस टाइम पे ना तो ऐसे पंखे यूज हुआ करते थे और ऐसे टंग देते छज से और उसको रस्सी से हिलाया करते थे। और देखो आज भी इनकी इस मकान में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, देखो ये भाई, ये देखो। और फिलहाल वो तो तार दियोगा वो तो है। अच्छा अच्छा, तो देख लो भाई, ये खिड़की वगैरह है और मुझे काफी अच्छा लगा। और मैं आपको लेके चलता हूँ इनके घेर में, और सामने जो इनका घेर है तो मैं आपको वहां दिखाता हूँ अब। और भाई देख लो एक बार, थमले देखो, बहुत ही बढ़िया थमले बना रखे हैं। तो आपके लड़कों के क्या नाम है जी? विनय कुमार है बड़े का। अच्छा अच्छा, और छोटे का विक्रांत। क्या कर रहा है जी? ये दुकान कर रहा है बड़ा लड़का। अच्छा अच्छा, छोटा डॉक्टरी कर रहा है। अच्छा अच्छा, कहाँ पे अंकल जी? अच्छा अच्छा, तो अंकल जी दिखाएंगे मुझे। अंकल जी थोड़ा सा अपना ये दिखाई, जो आपने मतलब अभी नया बनाया, तो ये फिलहाल ये सारा आपका ही है? तो चलते हैं अंकल जी के नए मकान में। ये देखो भाइयों, तो यहाँ कमरे कितने बना रखे हैं अंकल जी आपने?
अच्छा अच्छा तीन कमरे बना रखे हैं और एक ट्रैक्टर भी इनके पास। अंकल जी कौन सा मॉडल है? देखो भाई ये 2000 मॉडल है और आज भी बिल्कुल सही सलामत रख रखा, देखो कोई कह नहीं सकता। देखो ट्रैक्टर के टायर खुद अंदाजा लगा सकते हैं आप सभी, देखो 7 के टायर बता रहे हैं अंकल जी बिल्कुल। और आप तक कुछ दिक्कत आई ट्रैक्टर में? मतलब बढ़िया काम कर रहा। देखो भाई इस चब्बी कितनी, इसमें चब्बी है इसके अंदर? अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं है। देखो भाइयों अंकल जी बता रहे हैं कि मतलब आज तक भी कोई दिक्कत नहीं है ट्रैक्टर में, नहीं बढ़िया काम करता खेती में। और 7 के टायर है ये, देखो भाइयों महेंद्र का ट्रैक्टर है, देखो भाइयों बढ़िया ही ट्रैक्टर है बिल्कुल दमदार जगह है ना, दमदार चीज वही चीज है। तो मैं दिखा दूं आपको, इधर इनके बाथरूम बने हैं और फिलहाल यहाँ पे भी एक कमरा है, ये देख सकते हैं भाइयों, ये देखो बैठक टाइप में बना रखा है। फिलहाल इसमें भी काम चल रहा है, काम चल रहा है। ऊपर ऊपर क्या है? अच्छा अच्छा फिलहाल यही है। और देखो भाइयों इनका ट्रैक्टर था जो मैंने आपको दिखाया, बहुत ही अच्छा है और आज भी बढ़िया काम करता है। तो देखो भाइयों ये माँ जी है सामने और मैं आपको अंदर लेके चलूंगा, ये ऊपर भी दिखा देता हूँ मैं इनका अंकल जी का मकान। तो वीडियो में बने रहे और एक बार देख लो, पुराने जमाने की तो खिड़की लगी हुई है इधर देख सकते भाइयों। और ये ऊपर दिखाएंगे अंकल जी के तकरीबन कितने कमरे बने हुए हैं। तो जिन्ना इधर से है कुछ इस प्रकार का, ये शायद इधर से है जिन्ना, ये देखो भाइयों ये जिन्ना जा रहा है। और जिन्ने का डिजाइन देख लो एक बार भाइयों, कभी पुराने जमाने का देख लो कैसे लोग बनाया करते थे यार। ये देखो भाइयों, ये देखो भाइयों कितना छोटा जिन्ना है यार ऊपर जाने का। और मैं आ चुका हूँ ऊपर, ये देख सकते हैं भाइयों मैं अंकल जी के मकान के ऊपर आ चुका हूँ। और इनके पिताजी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बना के रखा है ये मकान सारा का सारा। ये देखो भाई छत देख लो, ये देखो एक छोटा सा मतलब गैलरी टाइप में हमें बनाया हुआ है। और देखो खिड़की देख लो भाई, ये बहुत ही पुरानी खिड़की है यार, ये देखो माज भी मजबूत ही है। अच्छा अच्छा और देखो सामने, इनके सामने एक कच्चा मकान है बहुत पुराना, पुराना जगह बिल्कुल सारा कच्चा है वो। अच्छा अच्छा किनका है? अच्छा अच्छा ये भी दिखाऊंगा मैं। और एक बार देख लो भाई, ये दद्दी जी है और ये आंटी है। नमस्ते आंटी, दद्दी नाम क्या है दद्दी का? तो देखो ये माजी है, माजी का नाम क्या है? गाँव कौन से गाँव की? मीठापुर। मीठापुर से है देखो माजी। और ये आंटी जी है, आंटी नमस्ते। आंटी कौन से गाँव हो? देखो चलो कोई नहीं है। तो देखो भाई ये अंकल जी ने इधर कमरे वगैरह बना रखे हैं बहुत ही अच्छे अच्छे, और मैं दिखा दूंगा आपको। अच्छा इधर आपके पिताजी के इधर से, देखो भाई ये इनके पिताजी है देख सकते हैं, इसमें है तो नहीं कोई? तो देखो भाई ये इनके पिताजी है श्री हरि सिंह जी। और ये आपका है ना? नहीं नहीं ये साला था। अच्छा देखो भाई ये खिड़की बहुत ही अच्छी तरीके से बना रखी है। और देख लो कितना चौड़ा मकान है, देख लो कमरा देखो यार, उस टाइम पे इनके पिताजी ने बनाया था। और देख लो बिल्कुल बढ़िया तरीके से बना रखा है मकान, और मैं सब चीज दिखाना चाहता हूँ। ये देखो भाइयों ये देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से बना रखा है मकान, बहुत ही बढ़िया तरीके से बना रखा है। और यहाँ पे आंटी जी है और इधर इनके बाथरूम है ना। अच्छा अच्छा ये रसोई है, देखो भाइयों इस रसोई में आपको मैं दिखाऊं, दूध मिलाने का है होती है ये हारी बोलते हैं। देखो भाइयों इस पे रख के दूध मिलाया जाता है। और देख लो भाइयों यहाँ पे पुराने जमाने की अलमारी है। तो आपकी शादी होगी जी? शादी की होगी? अच्छा आपकी शादी की है, देखिए अंकल जी की शादी की है अलमारी वगैरह। उस टाइम पे ब्याह शादी में ऐसी अलमारी मिलना करती थी। और देख लो अगर भाई आज तक इन्होंने संभाल के रखी है, आज तक बिल्कुल देखो यानी जो पुरानी चीज होती है तोड़ देते हैं लोग अपनी। और यानी कि देख लो ये इनकी हो अलमारी, ये होगी किचन वगैरह हो चुका इनका। और देख लो भाई ये किवाड़ बिल्कुल मजबूत ही है, इनके पिताजी ने बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाया था। ये देख सकते भाइयों बहुत ही अच्छे तरीके से कमरे बनाए हुए हैं इनके पिताजी ने। और एक कमरा ये रहा इधर इनका, तो मुझे काफी अच्छा लगा अंकल जी से मिलकर, ये बालकनी होगी इनकी। तो किसान भाइयों इस वीडियो को शेयर करना, और काफी अच्छा लगा मुझे अंकल जी से मिलकर। देखो भाइयों एक मुझे बहुत ही पुराने जमाने का सिस्सा मिला है, जिसे सिस्सा कहते हैं, और इसमें शंख वगैरह लगे हुए हैं। ये देखो भाइयों तो कितना पुराना होगा जी, बहुत पुराना है जो। देखो भाइयों बहुत ही पुराना सिस्सा है देख सकते हैं, कभी बहुत पुराने पुराने जमाने में अच्छा लग रहा था। तुम्हारे ब्याह में मिला था? नहीं ब्याह से बाद में भतीजा हुआ था उसके ब्याह का मिला था। अच्छा अच्छा देखो भाइयों ये संख है क्या लग रहे हैं जी? संख लग रही है, देखो संख लग रहे हैं भाइयों इसमें देख सकते हैं आप सभी, ये देखो संख लग रहे हैं शिष्य में। बहुत ही पुराना शिष्य है और एक किसान आदमी के घर में मिला है। देखो बहुत ही पुरानी चीज है और पूरे घर में ये बहुत ही एंटिक चीजें है, एंटिक चीज भी कह सकते हैं पुराने जमाने का सिस्सा। तो देखो भाइयों ये सिस्सा है अंकल जी घर में, और मैं दिखा दूं आपको, ये देखो ये यहाँ पे बैठी है। और ये इनका एक कमरा ये रहा,
और एक देखो ये पुराने जमाने का बोर्ड है इधर लगा हुआ है, उस टाइम पे ऐसे बोर्ड यूज किया करते थे। और मुझे काफी अच्छा लगा इनकी फैमिली से मिलके, और वीडियो शेयर करना। राम राम जी।